नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और अष्टक वर्ग संख्या 9 की बात करते हैं। और आज हम लोग बुध का भिन्नाष्टक वर्ग बनाने सीखेंगे और बुध का फलकथन गोचर में हम किस तरह से करेंगे और वो अष्टक वर्ग के माध्यम से किस तरह से करेंगे इसको भी सीखेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जो साधारण गोचर पहले सीखा है वो चंद्रमा से बुध किन किन स्थानों में शुभ फल करता है उसके आधार पर सीखा है। तो यहाँ भी चंद्रमा से बुध देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 11 अर्थात जो हमने वहाँ पढ़ा है वही यहाँ भी है। तो ये तो चंद्रमा से इन स्थानों में ये शुभ फल कर रहे हैं, तो उसी तरह से सूर्य से किन स्थानों में शुभ फल कर रहे हैं, तो सूर्य जहाँ स्थित है वहाँ से 5वें, 6ठे, 9वें, 11वें और 12वें स्थानों से शुभ फल कर रहे हैं। इसी तरह से 7 ग्रह सूर्यादि 7ों ग्रह और लग्न से जो शुभ अंक प्राप्त कर रहे हैं उसी अंक के आधार पर हम लोगों को गोचर फल कहना है। तो अब अंक किस तरह से हमको लेना है, जहाँ अंक दे रहे हैं अर्थात जहाँ से शुभ गोचर कर रहे हैं वहाँ हम लोग एक खड़ी रेखा डालेंगे ताकि हमको ये पता चल जाए कि यहाँ से शुभ गोचर कर रहे हैं, और जहाँ से शुभ गोचर नहीं कर रहे हैं वहाँ एक बिंदी लगा देंगे। अब जिस स्थानों की बात करेंगे, जिस कक्षा की बात करेंगे उसके ही, अब शनि की बात करेंगे तो शनि यहाँ है तो इन अंकों को लेना है, भूलवश हम सूर्य से प्रारंभ न कर ले। तो आगे बढ़ते हैं। अब शनि सबसे पहले कहाँ स्थित है लग्न पत्रिका में ये ढूंढना है। तो देखिए शनि 5 नंबर की राशि अर्थात सिंह राशि में स्थित है, तो सिंह राशि से गणना प्रारंभ होगी, सिंह राशि यहाँ है, तब यहाँ से ही प्रारंभ होगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अब देखिए कि यहाँ यदि हम टोटल कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अर्थात ये कुल 8 अंक दे रहे हैं, तो यहाँ हमको जो है सो 8 लिख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं गुरु। अब गुरु देखें यहाँ 6, 8, 11, 12 अर्थात गुरु से बुध सिर्फ 4 स्थानों से ही शुभ गोचर कर रहा है, तो गुरु को सबसे पहले ढूंढेंगे कहाँ है, कुंभ राशि में। जन्म समय में ग्रह जहाँ स्थित हो गणना वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो 6, 8, 11, 12 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अर्थात आप यदि कुंभ राशि से गणना शुरू करेंगे तो पहला अंक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्क राशि, 6 के बाद 8 साथ में नहीं है, 8वें अंक आ गया, 9, 10, 11 और 12 ये हम लोगों ने देखा। और कुल कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 3, 4 अगर हम लोग सरलता पूर्वक इसको करते चलें तो हमको भी लगा कि गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। आगे अब मंगल की बात कर लें तो मंगल लग्न में अर्थात वृश्चिक राशि में स्थित है, तो गणना वृश्चिक राशि से ही प्रारंभ होगी। तो 1, 2, 4, 7 अर्थात यहाँ से शुरू कर लेते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें में फिर बिंदी लगा देंगे। तो जहां से शुभ गोचर कर रहा है वहां खड़ी रेखा और जहां से अशुभ गोचर कर रहा है वहां बिंदी। अब गुरु बुध मंगल की बात हो गई तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल से बुध 8 स्थानों से जब गोचर करेंगे तो शुभ गोचर करेंगे। हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने अष्टक वर्ग पढ़ लिया, पॉइंट डालने आ गया, उनको यदि ये पूछ लीजिए कि मंगल से बुध का शुभ गोचर कैसे देखेंगे तो उनको पता नहीं है, वो इनको सिर्फ अंक मान के काउंट करके गणना करके निकल रहे हैं।
लेकिन हम आपसे कहते हैं कि हमारा भले ही धीरे धीरे एक दिन में थोड़ा हम पढ़ पाते हों, लेकिन कोई भी संशय आपके पास नहीं रहे, ये हमारा प्रयास होता है। आगे बढ़ते हैं सूर्य। अब सूर्य से देखिए 5, 6, 9, 11, 12, तो सूर्य पहले कहाँ है? कन्या राशि में, तो यहाँ से प्रारंभ होगा। तो 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आगे बढ़ लेते हैं 9, 11, 12, तो 6 के बाद 7, 8 में नहीं, 9, 10 में कुछ नहीं, 11 और 12 ये हमने लगा दिया। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 भी लिख लिया। तो हम काउंट करते चलते हैं, तो हमको क्या होता है कि जब ये काउंटिंग सही होगा तो हमको 54 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं शुक्र। शुक्र का देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो शुक्र कहाँ स्थित है? शनि के साथ स्थित है, तो सिंह राशि में। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक तो दे दिया, उसके बाद 6, 7 नहीं है, 8, 9, 10 में नहीं है, और 11 में फिर है, 12 में नहीं है। अब इसके कुल संख्या, कुल शुभ गोचर देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अर्थात शुक्र से बुध 8 स्थानों से जब गोचर करते हैं तो शुभ गोचर ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग 8 यहाँ फिर से लिख देते हैं। अब आ जाते हैं बुध की बात कर लें, तो बुध कहाँ है? तो हमारा यहाँ है 1, 3, 5, 6। अब देखिए बुध यहाँ कहाँ है? कन्या राशि में, तो फिर यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। तो 1, 3, 5, तो 1 में डाला, 2 में नहीं है, 3 में डाला, 4 में नहीं है, 5 में डाला, उसके बाद 6 में है, 7, 8 में नहीं है, 9, 10, 11 और 12 में भी अंक है। अब कुल कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कुल 8 अंक हो गए। यहाँ हम लोगों ने इसको लिख दिया। बुध के बाद चंद्रमा की बात कर लें, तो हम लोग जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11, तो यहाँ से शुरू होगा। चंद्रमा चूँकि वृश्चिक में ही है, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 11 यहाँ अंक नहीं होगा। अब देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः अंक प्राप्त हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 यहाँ लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा के बाद लग्न 1, 2, 4, तो यही लग्न है, तो यहाँ से शुरू करते हैं 1, 2, 3 में नहीं, 4, 5 में नहीं, 6, 7 में नहीं, 8, 9 में नहीं, 10 और 11 और फिर 12 में नहीं। कुल टोटल कर ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम यहाँ 7 लिख लेते हैं। अब इसको पूरा टोटल करते हैं, 54 हमें प्राप्त होता है, तो हमने जो भी लगाए वो सही है। तो देखिए 8, 4, 12, 8, 20, 5, 25 और 5, 30, 33 और 8, 41 और 6, 47 और 7, 54 तो ये 54 आ गया, हमारा सही है। अब हमको लेकिन इसको टोटल करके लिखना जरूरी है, ये तो मेरे जानकारी के लिए कि हम करेक्ट कर लें अपने आप को, लेकिन इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, और इसका भी टोटल 54 ही होगा, ये आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 5 हो गया वृश्चिक में, 1, 2, 3, 4, 5 5 हो गया धनु में, 1, 2, 3, 3 हो गया मकर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हो गया कुंभ में, 1, 2, 2 हो गया मीन में, 1, 2, 3, 4 4 हो गया मेष में, 1, 2, 3, 4 4 हो गया वृष में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हो गया मिथुन में, 1, 2, 3, 4 4 हो गया कर्क में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हो गया सिंह में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हो गया कन्या में, और यहाँ 1। और आगे बढ़ने से पहले इसको भी काउंट एक बारी कर लेते हैं।
तो देखिए 5, 5, 10, 3, 13, 6, 19, 2, 21, 4, 25, 4, 29, 6, 35, 4, 39, 7, 46, 54, 53, 54, 54, 55, 56, 56, 57, 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
कि हमने जो कुछ भी यहाँ लिखा वो सही है। अब क्या करना है, वृश्चिक ने जितने अंक प्राप्त किए गोले के साथ यहाँ लिख देते हैं, ये आप लोग जानते हैं। धनु में जितना हुआ धनु के यहाँ लिख दिया। मकर में तीन अंक है तो तीन मकर का लिख दिया। कुंभ में छः अंक है तो छः कुंभ में लिख दिया। मीन में दो अंक है तो दो मीन में लिख दिया। मिथुन में छः अंक है तो छः मिथुन सॉरी मेष में लिख दिया। मेष में चार अंक है, क्षमा चाहेंगे, मेष में चार अंक है तो चार लिख दिया। वृष में फिर चार अंक है तो चार लिख दिया। सिंह में फिर वृष के बाद मिथुन, मिथुन में फिर छः अंक है तो यहाँ छः अंक लिख दिया। मिथुन के बाद कर्क में फिर चार अंक है तो यहाँ चार अंक लिख दिया। सिंह में फिर सात अंक है तो यहाँ सात अंक लिख दिए। कन्या में फिर सात अंक है तो सात अंक लिख दिया। और तुला में एक अंक है तो एक अंक लिख दिया। ये हमको कितने आसानी से समझ में आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बनाना आपको आ गया होगा। और ये टेबल हम भी भूलते हैं, इसीलिए आप ये नहीं समझिए कि आपको एकदम कंठाग्र आज के दिन हो जाए। तो इसलिए ये टेबल हम और आप नोट कर लेते हैं, या आगे जब आप जाएंगे तो टेक्नोलॉजी आपके सामने इसको उपस्थित करेगा तो फिर संदेह समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी, कक्षा स्वामी कौन, कक्षा स्वामी ने अंक दिए कि नहीं दिए, कितने डिग्री पे कौन सी कक्षा होती है, उसके स्वामी ने अंक दिए तो गोचर फल हाँ कहना है। ये सब जानने के लिए यदि हमको इस विधि को जानना है तो समझ सकते हैं कि आपका यहाँ हम कहेंगे जड़ मजबूत हो जाएगा। आपके सामने ये नहीं, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग सामुदाय अष्टक में 29 अंक है 35 अंक है अच्छा हो जाएगा। हम सामुदाय अष्टक में एक उससे तो अच्छा है कि फिर हम गोचर फल ही देख लें, मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं। लेकिन यदि आपको डे बाई रिजल्ट चाहिए तो आपको इस प्रस्तारक को जानना बहुत जरूरी। अब मान लिया जाए चूंकि यहाँ अधिक अंक प्राप्त है कन्या राशि में, तो हम बुध के जब हम भिन्नाष्टक में देख रहे हैं, बुध का गोचर समझ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभाव कब समझेंगे, जब बुध की ही दशा अंतरदशा है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि महादशा में नौ ग्रहों की अंतरदशा होती है, एक अंतरदशा में नौ ग्रहों का प्रत्यंतर होता है, एक प्रत्यंतर दशा में नौ ग्रहों का सूक्ष्म दशा होता है और एक सूक्ष्म दशा में नौ ग्रहों का प्राण दशा होता है। तो जानना तो हमको नौ ग्रहों के विषय में है, लेकिन यहाँ राहु केतु को नहीं लेते तो हमको सातों ग्रहों के विषय में यहाँ जानना जरूरी है कि गोचर फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बुध की दशा अंतरदशा हो, और यदि हम बुध के प्रस्तारक को देख रहे हो, भिन्नाष्टक को देख रहे हो, तो देखिए पहले कक्षा में अंक है, अर्थात कन्या राशि में बुध यदि 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट तक, उसके अगले में भी अंक है अर्थात 7 डिग्री 30 मिनट तक, उसके अगले में भी अंक है तो 11 डिग्री 15 मिनट तक, तो ये लगातार अंकों से गोचर कर रहा है तो यहां तक तो उसको शुभ परिणाम मिलेंगे। अब ये जो बीच का दो दिन है, अगर इसमें कोई प्रश्न आता है कि आज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसके लिए दो दिन इंतजार करना पड़ेगा, अगले दिन मिल जाएगा। तो हम लोगों को यही समझना जरूरी है। इसके बाद यहां तक तो हमको 7 अंक था, रिजल्ट हमने पाए, लेकिन क्या देखते हैं कि अगले महीने जैसे ही ये तुला राशि में जाता है तो देख रहे हैं कि यहां अंक से गोचर नहीं करता, एक ही अंक प्राप्त है वो भी पांचवें कक्षा में, तो पांचवें कक्षा का स्वामी कौन, शुक्र, तो शुक्र ने अंक दिए तो वहां रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हम लोगों को जानना जरूरी है। लेकिन हम और आप YouTube में क्या देखते हैं, शुक्र ने बदला चाल, किसका होगा बुरा हाल, ये मतलब
क्या हो रहा है हमारे ज्योतिष का। तो हम लोग एक तो गोचर फल, जो राशि फल जिसको बोलते हैं, उसको यदि सिर्फ हम चंद्रमा के भी माध्यम से बताना चाहें तो वहां भी बहुत संशय है। अब यहां हम पूरे संसार को 12 ही भाग, 12 राशियों में विभाजित करके, और अवस्थाएं कितनी हैं, बाल, युवा, कुमार, वृद्ध, मृत को भूल जाइए, तो इतने अवस्थाओं के इंसान को के लिए हम नित्य राशिफल बोले जा रहे हैं। क्या सच क्या झूठ, आज जो बोला 5 दिन बाद उसी को रिपीट कर देना है, सामने वाले को पता ही नहीं चलना कि क्या बोला जा रहा है। आपको ये आदत हो गई है राशिफल सुनने की। चलिए, हमको इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना, लेकिन ये जो प्रथा है वो कितना सही है और कितना गलत, जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, इसीलिए हम कभी भी किसी भी ऐसे टॉपिक पे नहीं बताते या बात नहीं करते जिससे कि हमको सब्सक्राइबर ज़्यादा मिल जाए, हमको व्यूअर्स ज़्यादा मिल जाए। नहीं, हमको पाठक ज़्यादा चाहिए, पढ़ने वाला ज़्यादा चाहिए, जो आगे ज्योतिष के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो हम लोगों ने देखा, इन अंकों को दे दिया। यदि आप ये सारे चीज़ भूल जाते हैं, नॉर्मल आई से भी देखना चाहते हैं, तो 7 अंक है, 7 अंक है, 6 अंक है। अब 2 अंक वाले के पास यदि आ गया, मीन राशि से गोचर कर रहा है तो नीच का है इसीलिए आपको परिणाम नहीं दे रहा है, ऐसा बोलने से तो अच्छा है कि यहाँ 2 अंक है इसलिए नहीं दे रहा है, शत्रु राशि का है इसलिए नहीं दे रहा है। जब हम गणितीय पद्धति में जाएंगे तो हमको ऐसे सारी बातों को भूल जाना होगा। इनके पत्रिका में मीन में 2 अंक है, हो सकता है कि किसी के पत्रिका में मीन में 7 अंक हो, तो फिर नीच का होने के बावजूद भी बुध का रिजल्ट अच्छा होगा, क्योंकि कक्षा स्वामी ने अंक दिए जा रहे हैं, तो वहां पे फिर हम क्या करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योतिष को शास्त्रों से सीखिए। अब वर्तमान समय में उसकी व्याख्या कैसे होती है, हम उस पर विचार करते रहते हैं और आपके सामने हम अपना विचार रखते हैं। संभावना है कि कुछ हो सकता है भावावेश में कुछ बोला जा रहा हो मेरे द्वारा, तो क्षमा करेंगे, और ये कैलकुलेशन में भी यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे और कमेंट में जरूर लिखेंगे, ताकि हम प्रयास करें कि कम से कम गलती हो, और ना हो तो और भी अच्छा। लेकिन अगर पाठ्यक्रम से आप पढ़ेंगे तो हमारी गलतियों को भी पकड़ पाएंगे और आप ये भी समझ पाएंगे कि मैंने जानबूझकर ये गलती नहीं की। तो पाठ को क्रम से पढ़िए, कोई भी संशय हो फोन उठा करके कभी भी फोन कीजिए, हमारे यहाँ किसी का भी फोन उठाया जाता है, इसीलिए आपको परेशानी नहीं होगी। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको समय लेकर बात करना होगा। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।